ये जो समय होता है बड़ा बलवान होता है। देखो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में ऐसी भी बीमारी आएगी कि आदमी आदमी से दूर हो जाएगा। पिछले साल सब घर से निकलने में डर रहे थे और अब की बार बड़ी मुश्किल से मेला भरा है। अब भी ये डर है कि कहीं तीसरी लहर ना आ जाए। तो समय क्या से क्या करा देता है, पर इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आए, लेकिन डट के सामना करना चाहिए मजबूरियों का। आइए फौजी महर्षि जी ने इस रागनी में क्या क्या बताया है सुनते हैं। हे रे सत्य की बांदी मिले लक्ष्मी, कोई मत ना छोड़ो सत्य ने, इंसाना पे करा दिए जुलूम के काम सुंदर रागनी। और प्रेमी सजनों हमारे आदरणीय गब्बू सरपंच साहब अलियर से हमारे कलाकारों को 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। गब्बू सरपंच साहब अलियर बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गजेंद्र चौहान साहब बास कुशला आपकी तरफ से भी 500 रुपए का इनाम दिया गया। आदरणीय श्री विनोद चौहान जी हमारे एडवोकेट साहब प्रधान टैक्स बार गुरुग्राम आपकी तरफ से 1000 रुपए से मान सम्मान किया। आदरणीय विनोद चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई श्री प्रहलाद सरपंच साहब बास कुशला पहले भी 2000 रुपए दिए थे और फिर से 1000 रुपए से मान सम्मान किया है। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करिएगा। हमारी गौशाला के प्रधान गौ भक्त आदरणीय सत्यनारायण प्रधान जी आपकी तरफ से भी 1000 रुपए से मान सम्मान किया गया। बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ¡Gracias!
शुक्र हमारे भाई साहब 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहन जी 50 रुपए का पुरस्कार दिया, गांव मैचाना से 50 रुपए का पुरस्कार देती है बहन जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए का पुरस्कार दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी गली में राजा हरिश्चंद्र के बारे में ये लिखा कवि ने, देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बखत में राज मिला, सुनो हरिश्चंद्र की कहानी। एक बखत में रुका पड़ गया कोन्या सत्य की वाणी। एक बखत में तीनों बिक गए लड़का राजा रानी। एक बखत में धरना पड़ गया भंगी के घर पानी। एक बखत में धरना पड़ गया भंगी के घर पानी। अरे आंसू ते पड़े टूक घुटने ओ, ना
साहब कासन, आदरणीय बाबूजी श्री रमेश सरपंच साहब कासन, आपकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम देकर के मान सम्मान किया। आदरणीय रणधीर सरपंच साहब, हमारे बड़े अजीज रागनी प्रेमी जो पचगावा से हमारे बीच में आए हैं, आदरणीय रणधीर सरपंच साहब, आपकी तरफ से भी 500 रुपए का इनाम दिया। तेजी ठेकेदार साहब, हमारे बड़े भाई आदरणीय तेजी ठेकेदार साहब, आपकी तरफ से भी 500 रुपए का इनाम दिया गया इस रागनी पर। बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम कली में रागनी का तोड़ किया कभी ने और ये बताया। वैसे रागनी समझ में आ रही है आपके? बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये बताया कि इंसान की जिंदगी में सुख और दुख चलते रहते हैं। कहते हैं ना, दुख का सामना करोगे जभी तो सुख आएंगे। कभी समय ऐसा होता है कि इंसान को एक रोटी का टूक नसीब नहीं होता, इतना काम होता है, इतना बिजी रहता है इंसान। और कभी समय ऐसा होता है कि कई कई प्रकार के खाने को भोजन मिल जाते हैं। इंसान सोचता है कि कौन सा छोड़ू और कौन सा खाऊं। जब ब्याह शादी होती है, भंडारा होता है, तो एक बार नहीं कई कई बार इंसान खाता है। ऐसा समय भी होता है, कभी कोई गरीब हो जाता है तो कभी कोई अमीर हो जाता है, कभी सोना पड़ जाता है तो कभी जागना भी पड़ जाता है। और क्या क्या होता है, क्या लिखा अंतिम कली में? एक बखत में जागू रहना,